और पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड चल दिया है। चीन और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन माइक वॉल्स को ट्रंप ने अपना नया एनएसए बना लिया है और इस नए एनएसए की सोच भारत से बिल्कुल मिलती जुलती है। इंडिया ट्रूली हैज बिकम अ ग्लोबल लीडर। इट वाज आल्सो इनक्रेडिबल टू हियर हिम ले आउट अ विजन for India to be a fully developed nation. दोस्तों माइक वॉल्ट्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो ही इज वेरी प्रो इंडिया। द नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी वेरी प्रो इंडिया। उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। इंडिया के साथ यानी वो जो स्ट्रेटेजिक उनकी पार्टनरशिप है उसके ऊपर वो जोर देते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए शायद एक पहला एक ऐसा एलिमेंट देखने में आ रहा है अगर हम इस रीजन के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज अ बायपार्टिसन सपोर्ट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है, वो बात ठीक कह रहे थे वो। और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों अमेरिका के नए एनएसए होंगे माइक वॉल्स और बताया जाता है वह इंडिया के समर्थक है और जैसे इंडिया सोचता है वैसे ही वो सोचते हैं। चीन और पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। तो खबर यह है कि समझा ये जा रहा है कि भारत के समर्थन में कुछ फैसले लेंगे और भारत के लिए अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है कि किस तरीके से भारत के फैन हैं। दोस्तों माइक वॉल्ट्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं, मेंबर हैं और इंडिया कॉकस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉकस इन द कांग्रेस। और उनकी अगर देखा जाए कि ही इज वेरी प्रो इंडिया। द नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी वेरी प्रो इंडिया। उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। आप जरा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। देखिए हमने कई दफा बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज अ बायपार्टिसन सपोर्ट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है, वो बात ठीक कह रहे थे वो। और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो इज गोइंग टू बी द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैक सुलिवन जो है वो को रिप्लेस कर रहे हैं। आप देखें किन किन चीजों पर इंडिया के साथ वो इंगेज करेंगे। रिसेंटली आपको पता है जो जैक सुलिवन का लास्ट दौरा था दैट वॉज ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर दोनों मुल्क काफी ज्यादा काम कर रहे थे। एंड अमेरिकन वॉन्ट के जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो किसी तरीके भी जैसे तैसे भी अगर इंडिया के साथ हम शेयर करें तो वो रशिया और चाइना के साथ के हाथ ना लगे। आप देखिए इंडिया के हवाले से देखें जो इंडिया के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हमने बात की कि वो देयर इज अ बायपार्टिसन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर इस हवाले से। बायपार्टिसन सपोर्ट, कोई बायपार्टिसन सपोर्ट मींस के दी एंटायर कांग्रेस सपोर्ट्स इंडिया। रिसेंटली आपको पता मार्को रूबियो का मैंने बताया था सेनेटर, वो चाहते ये थे कि हम इंडिया के ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन लें। हर एक जो है ना वो बढ़ के अमरीकी कांग्रेस के अंदर हर कोई बढ़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है। और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना। गो के मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर दी फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया। और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े बिकॉज फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा किसी के लिए। सो वो बड़ी क्लैरिटी है इंडियंस के दिमाग में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। कुछ चीजों की वजह से बड़े फेमस है और बड़े क्लोज हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और इसके साथ साथ कुछ और बातें भी
मतलब गर्दिश कर रही हैं कि जी माय पॉड्स जो हैं वो बड़े प्रो इंडियन हैं, और बात ये करते हैं कि जो फौजी ताकत है उसको मजीद बढ़ाया जाए, यानी किसकी, नेटो की फौजी ताकत को, यूक्रेन को मजीद हेल्प की जाए, और इंडिया के साथ यानी वो जो स्ट्रेटजिक उनकी पार्टनरशिप है उसके ऊपर वो जोर देते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए शायद एक पहला एक ऐसा एलिमेंट देखने में आ रहा है अगर हम इस रीजन के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट कहा जा रहा है इनको, जिस तरह CIA चीफ के हवाले से मिस्टर काश के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो बन जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो बने, कोई और भी बन सकता है, बट अगर इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को देखा जाए तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और इंडिया के लिए कहा जाता है कि ये प्रो इंडिया। वैसे तो अगर हम एक बात करें, शायद कुछ लोगों को गालिबन ये बुरी लगी, लेकिन ये एक जियो पॉलिटिक्स है, इसमें जो कुछ हो रहा होता है वही रिपोर्ट होना चाहिए, कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल प्रो इंडिया नहीं भी है बहुत ज़्यादा, या कोई और अगर उनकी जो बाइडन की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक होल्ड रहा इंडिया का, ऐसा नहीं कि वहाँ पे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था वो कम था। हाँ, शायद डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कुछ लोग अपने कंसर्न्स भी इंडिया के शो कर रहे होते हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए वो ये भी कहते हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन शायद वो प्रेसिडेंटशिप से पहले था, अब एज ए प्रेसिडेंट अगर वो हैं तो उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी ताल्लुकात हैं, और वो ऐसे लोगों को शायद अपॉइंट करना चाहते हैं कि जो थोड़ा सा इंडिया के साथ उनके जो ताल्लुकात है और स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको वो मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान मतलब देख रहा है, खैर मैं ये तो नहीं कहता कि कोई पाकिस्तानी ऐसा कोई इस किस्म की पोजीशंस पे आ रहा है या आने के कोई इम्कान है, वो जो भी हो अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक वो चलते हैं और उस हिसाब से चीज़ों को वो फिर वो सेटल डाउन करते हैं, उनकी वो फॉरेन पॉलिसी हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ हो या वो। लेकिन अगर हम माइक वॉट्स को देखें या इनका अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कि इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है कि जी इन्होंने अमेरिका को जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने शायद उसकी जो एक हाइट थी उसको डबोया है, उन्होंने उन चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड और चीज़ें जिसकी वजह से एक मतलब क्या इस रीजन में जैसे कनाडा के लिए भी एक वार्निंग होगी, और ये इंडियंस की तरफ से ये वार्निंग जो है वो समझ लें कि अगर माइक वॉल्ट जो है वो ये समझते हैं कि हमें ये पन्नू वाले केस को डाउन प्ले करना और इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं तो कनाडा के लिए भी मसले पैदा होंगे, बिकॉज कनाडा डिड इट ऑल फॉर द अमेरिकन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पर आके ये भी थोड़ी सी चीज समझने की जरूरत है कि जो मौजूदा जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है अमेरिका का, या जो डीप स्टेट है, या जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, जो ये समझता है कि हमें जैसे तैसे हमें अमेरिका को एक टफ लाइन लेनी है इंडिया के ऊपर, तो फिर तो माइक वॉल्ट्स के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो ये महसूस करते हैं कि नहीं, हमें जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन कर गई हमें अब नहीं करना, तो आई थिंक दैट विल बी अ न्यू बिगिनिंग। और ये जो नई बिगिनिंग है ये बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। दूसरा ये है कि ये जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये चाइना के हवाले से कोशिश करेंगे कि टफ लाइन लें। वो टफ लाइन क्यों लेंगे मैं आपको बताता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी जो है वो 60% टैरिफ लगाना चाहते हैं चाइनीज जो एक्सपोर्ट इंडिया चाइना अमेरिका जाएंगे। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आपको पता है कि ऑलरेडी अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो चाइना से भागना शुरू कर दी हैं। देखें, ये जो मार्केट्स है ना, मार्केट्स वर्क विद सेंटीमेंट्स के साथ काम करती हैं। आपको ये पता चले कि आइंदा आपने एक कंपनी है
जो कि चाइना में प्रोडक्शन करती है, अमेरिकन कंपनी है, उसने अमेरिका में वादा किया हुआ है कि हम इस रेट पे आपको एक प्रोडक्ट देंगे, आप उस प्रोडक्ट का रेट 2 महीने बाद बदल दें, 4 महीने बाद बदल दें, 6 महीने बाद बदल दें, तो वो स्टेबिलिटी तो नहीं होगी।